हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने चैनल का सब्सक्राइब बटन कैसे बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो मैंने यूकट वीडियो एडिटर यहां पे डाउनलोड कर रखा है, तो आपको प्ले स्टोर में ये इजीली डाउनलोड मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका नो वाटर मार्क है और कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएगा। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से इसका यूजर इंटरफेस है, ये ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पर प्लस आइकन का जो इस पर दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन आता है इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस पर आपको इस कुछ इस तरह से ईजिली सेलेक्ट कर लेना है गाइज। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये मीडिया का ऑप्शन है, यहाँ से आप वीडियो का यहाँ से मीडिया इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक वीडियो का सेक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे फोटोज़ का सेक्शन है और इसमें आल का सेक्शन है। तो यहाँ पे मैं फोटोज़ वाले सेक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन के थ्रू मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन बना के रख लिया है दोस्तों। ठीक, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एरो का निशान आप देख रहे हैं, इसे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है पोर्ट्रेट मोड में मिलता है गाइज। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आप यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन मैंने इंपोर्ट कर लिया है। तो अब इस पर कुछ जो मैंने टेम्पलेट डाउनलोड किया है सब्सक्राइब बटन का, वो मैं इस पर लेयर के रूप में यहाँ पे फिक्स करूँगा। जो कुछ भी मैं अपने इस वीडियो में यूज करूँगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जो पिक वाला ऑप्शन आप देख सकते हो इस पर सिलेक्ट करना, ये लेयर का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ अपने मीडिया वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने टेम्पलेट डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको उस टेम्पलेट पर डायरेक्ट ले चलता हूँ। आप देख सकते हो मैंने इसको अपने स्क्रीन पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया दोस्तों। अब सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर जो क्रोमा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इसके जो टेम्पलेट मैंने डाउनलोड किया है दोस्तों, इसके पीछे जो ग्रीन स्क्रीन है इसको मुझे हटाना है, क्योंकि मैंने इसके बैकग्राउंड में ऑलरेडी ग्रीन स्क्रीन लगा रखा है। तो सिंपल क्या करना है, क्रोमा ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ड्रैग करके कुछ इस तरह से इस पर करना है, तो इसका ग्रीन स्क्रीन दोस्तों हट चुका है, आप देख सकते हो। अब इसको बड़ा करना है, तो दोस्तों कुछ इस तरह से क्रोमा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ड्रैग करके आप करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आप देख सकते हो बड़ा हो गया दोस्तों। सिंपली इस तरह से कुछ आपको दोस्तों कर लेना है। अब इसमें सिंपली क्या करना है, अपने चैनल का लोगो लगाना है। तो क्या करेंगे, पहले जो मैंने बैकग्राउंड में जो मैंने ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट किया, उसको स्क्रॉल कर लेंगे कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों आप बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो कट चुका है। अब यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, इस पर डिलीट कर देंगे। मज़ा आया ना दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लेयर के ऑप्शन पे हमें यहाँ पे अपने चैनल का लोगो ऐड करना है, तो सिंपल उसी तरह से करेंगे, पिक वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से जो भी आप अपना चैनल का लोगो यहाँ पे लगाना चाहते हैं सब्सक्राइब बटन में, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है दोस्तों। तो कुछ फोटोस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो मेरे चैनल का लोगो आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो मैंने इसको पिक्सल लैब एप्लीकेशन के थ्रू सर्कल में इसको मैंने शेप में बना रखा है, तो आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन के थ्रू अपने चैनल का लोगो को सिर्फ सर्कल तरीके से आप बना सकते हो। तो मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, देख सकते हो मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, तो उसको मुझे इस तरह से थोड़ा अपनी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया दोस्तों। सिंपली आपको इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लेना है गाइज। तो आप देख सकते हो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। आप करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेक्शन है एनिमेशन का, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो फ्रेड इन फ्रेड आउट आप यहां से दे सकते हो। तो मैं यहां फ्रेड इन जैसे सेलेक्ट करता हूं कुछ इस तरह से। यहां सेकंड टाइम का ऑप्शन है, आप कितने सेकंड में आप कर सकते हो, यहां पे ये भी सिलेक्ट, एक सेकंड मैंने यहां पे सिलेक्ट कर दिया। यहां फ्रेड आउट का ऑप्शन है, यहां पे फ्रेड आउट भी हम यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर दिया। आप सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ अपने इस लोगों को इस पर इस तरह से कुछ ड्रैग करके एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। मुझे अपने यहाँ पे चैनल का नाम देना है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अपने चैनल का यहाँ पे आपको नाम टाइप करना है, जिसे मैं अपने चैनल का नाम टाइप कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन पे जाके आप अपने इच्छानुसार फॉन्ट रख सकते हो, जिस तरह से आप रखना चाहते हो। तो मैं कुछ इस तरह का फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ बहुत सारा कलर है, आप यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं व्हाइट कलर यहाँ पे रखता हूँ दोस्तों। सिंपली ओके प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पे ये स्क्रॉल करने का छोटा सा ड्रैग करने का ऑप्शन है, तो इसको इस तरह से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। तो मैंने अपने चैनल का नाम ऑलरेडी यहाँ पे टाइप कर लिया है दोस्तों। चैनल के नेम को मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको छोटा करके इसको फिक्स कर देता हूँ दोस्तों। आपको दोस्तों कुछ अपने नेम को इस तरह से ड्रैग करके पूरे इस पर फिट कर लेना है, जैसे मैं फिट कर रहा हूँ, आपको सिंपली ऐसा फिट कर लेना है दोस्तों। ये फिट हो चुका है, अब इसको भी एनिमेशन में हम देंगे। इस पर सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और यहाँ पे एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको फेड फेड पे करेंगे 1 सेकेंड से कम के लिए। आउट वाले पे हम करेंगे यहाँ फेड आउट कुछ इस तरह से,
दोस्तों आप देख सकते हो, अगर लूप ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो तो ये कुछ इस तरह से हमेशा के लिए ब्लिंक करेगा। तो मैं ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे फेड इन फेड आउट के हैं, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो फेड अपने इच्छानुसार। दोस्तों मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो अब मैं जब इसको प्ले करूँगा तो दोस्तों जब मैं अब इसको प्ले करूँगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, आप सकते हो। दोस्तों आपने देखा मैंने यूकट एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ही इजीली मैंने यहाँ पे अपने सब्सक्राइब यहाँ पे मैंने अपने चैनल का सब्सक्राइब बटन बना लिया है। तो आप कुछ इस तरह से अपने चैनल का